फ्रेंड्स, अब इस सत्र में हम लोग स्पैनिंग ट्री जो कंटिन्यू कर रहे हैं उसमें मिनिमम स्पैनिंग ट्री कैसे निकालना है, कल्स एल्गोरिथम की मदद से हम कैसे मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री निकालते हैं वो हम देखेंगे। इससे पहले हमने प्रिम्स एल्गोरिथम का देखा, ठीक है, तो आइए हम देखते हैं इसे। देखिए, ये आपको इसे हम एक ग्राफ से ही समझते हैं। ये आपको एक यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, जी ग्राफ दे रखा है जिसमें सेट ऑफ वर्टिसेस एंड सेट ऑफ एजेस है, ठीक है। तो अब इस दिए हुए ग्राफ में नोट्स दे रखे हैं, उनके नाम दिए हुए हैं और एजेस दी हुई है और ये उनकी कॉस्ट दी हुई है, ठीक है। तो क्रूस्कल्स एल्गोरिथम के रूल्स क्या हैं, क्रूस्कल्स एल्गोरिथम बोलता है, रूल्स की अगर हम बात करें तो इसके रूल्स में सबसे पहले बोलता है सेलेक्ट मिनिमम कॉस्ट एज, देन कीप ऑन ग्रोइंग ट्री बाय सेलेक्टिंग नेक्स्ट मिनिमम कॉस्ट एज, ठीक है। एंड साथ में इसमें आपको ये करना होता है अवॉइड साइकिल फॉर्मेशन, ठीक है। इन तीन रूल्स का ध्यान रखते हुए हमें इस मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री ड्रॉ करना होता है। अब देखिए, इसका स्केलेटन सबसे पहले हम ड्रॉ कर लें। तो इसका स्केलेटन जो है वो होगा आपका, ये इसका स्केलेटन होगा जहाँ पे सारे नोट्स मैंने ड्रॉ कर दिए। अब देखिए, मेरे पास जो एजेस दी हुई है, मैं देख रहा हूँ ग्राफ में जितनी भी एजेस आपको दे रखी हैं उनके वेट आपको दिए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे कम कॉस्ट की जो एज है वो ये है 10। तो सबसे पहले मैं एज ड्रॉ करूँगा 1 to 6 के बीच में, 10, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज में मैं बिल्कुल ऐसे ही करूँगा, फिर से देखिए, मैं आपको हर स्टेज का बना के दिखा रहा हूँ ताकि इसमें कोई डाउट ना रहे। ठीक है, तो 1, 1 और 6 नोड के बीच में पहले से एक एज ड्रॉ की जा चुकी है। अब हम नेक्स्ट कौन सी देखते हैं। यहाँ पे आपके पास 28 है, 14 है, ये 24 है, ठीक है, 18 है, 12 है और 22 है। अब नेक्स्ट जो हायर कॉस्ट की एज कौन सी है, 10 के बाद 12 वाली, तो 3 से 4 के बीच की एज हमने ड्रॉ कर ली जिसकी कॉस्ट है 12। फिर आप नेक्स्ट फिर से देखोगे यहाँ पे, फिर से जो साइकिल बनता है, अब यहाँ पे आप देखिए इसमें क्या हो रहा है, 10 और 12 हमने चूज़ कर लिए एजेस, मतलब कंसीडर कर लिया। अब 10 और 12 के बीच में कॉस्ट है 14, ठीक है, तो हम 14 वाला एज ड्रॉ करेंगे। तो 14 का एज है 2 और 7 के बीच में, 14 का एज है, ये है आपका 14, 1 to 6 आपका हो चुका है 10 एंड 3 to 4 आपका सेकेंड राउंड में हो चुका है 12, ठीक है। अब नेक्स्ट राउंड में क्या होगा आपका, नेक्स्ट राउंड में कौन सा एज आपको कंसीडर करना होगा, देखिए 10, 10, 12, 14 ये मैं कवर कर चुका हूँ। अब मेरे पास 16, 28, 18, 22, 25, 24 है, तो 16 को मैं चूज़ करूँगा। तो 16 का एज है 2 और 3 के बीच में, तो ये होगा 16। इससे पहले मैंने ड्रॉ कर चुका हूँ 1 to 6 के बीच में 10, 2 to 7 के बीच में 14, ठीक है, और 3 to 4 के बीच में 12, ठीक है। तो मेरा ये वाला जो एज है, मेरा ये एज यहाँ पे कंसीडर होता है। अब मेरे पास 18, 22, 25 और 28 है, तो इसमें से मैं कौन सा चूज़ करता हूँ। अगर मैं 18 लेता हूँ, ठीक है, 7 और 4 के बीच में, अगर मैं यहाँ पे
सेवन और फोर के बीच में अगर मैं लेता हूँ 18, तो यहाँ पे साइकिल बनेगा, ठीक है, और वो साइकिल हमें नहीं बनने देना है, साइकिल हमें अवॉइड करना है। तो मैं यहाँ पे ये जो एज आपको दे रखा है 18, इसको मैं कंसीडर नहीं करूँगा। इस तो नेक्स्ट हाईएस्ट चलते हैं हम, एज कोस्ट वो है आपके पास 22। क्या मैं 22 ले सकता हूँ? मैं 22 बिल्कुल ले सकता हूँ। तो 22 मैंने लिया, इसको फिर से मैं अगर नेक्स्ट उसमें ड्रॉ करूँ तो ये मेरे पास है स्केलेटन। तो इसमें देखिए मैं क्या क्या दो कर चुका हूँ, 1 to 6 एज हो चुकी है, 6 to 2 हो चुका है, 4 to 3 हो चुकी है, एंड 2 to 3 हो चुका है। दिस इज 3 to 4 12 एंड दिस वन इज 16। अब मैं ड्रॉ करूँगा यहाँ से इसको देखते हुए, 22 मैं ड्रॉ करूँगा, 22 ठीक है, ये मैंने ड्रॉ किया। अब यहाँ पे अभी भी कुछ क्या कुछ नोट्स हैं जो अब हमें देखना है कि क्या सारे नोट्स कनेक्टेड हो चुके हैं, ठीक है। ये वाला यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया हुआ था, ये फिर हमने इस स्टेज में ड्रॉ किया, ठीक है। तो चूंकि सारे नोट्स कनेक्टेड हो चुके हैं, तो ये जो आपका ग्राफ बन के आएगा, ये आपका होगा मिनिमम स्पैनिंग ट्री, जो आपकी मिनिमम कॉस्ट देगा, जिसकी कॉस्ट क्या होगी, 10 + 14 + 16 + 12 + 22। और जब आप इसको कैलकुलेट करते हो तो आपको कॉस्ट मिलेगा, ये होता है 74। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इस क्रुस्कल एल्गोरिथम पे एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिया हुआ है, एक ये ग्राफ आपको दिया हुआ है जी। तो इस ग्राफ में आपको ये सीक्वेंस दिए हुए हैं, 1 2 3 4 ऑप्शंस आपको दिया है, और इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सीक्वेंस, जब आप ए बी कौन सा सीक्वेंस सही नहीं है क्रुस्कल एल्गोरिथम का यूज़ करते हुए, ठीक है। तो हम सबसे पहले पहला सीक्वेंस चेक करते हैं कि आइए सही है या नहीं है। तो देखिए क्रुस्कल एल्गोरिथम के नियम क्या बोलते हैं, कि सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि एक स्केलेटन ड्रॉ कर लेना है। स्केलेटन जो आप ड्रॉ करोगे उसमें क्या होगा कि जितने भी नोड्स हैं आप उनको ड्रॉ कर लोगे। तो ये मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये देखिए ये जितने भी नोड्स हैं यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिए, उनके नाम ए बी, इसका नाम है डी, इसका नाम है एफ, और इसका नाम है ई, इसका नाम है सी, ठीक है। ये एक स्केलेटन हमने ड्रॉ कर लिया है। अब सबसे पहले जो सबसे मिनिमम एज, मिनिमम कॉस्ट की जो एज होगी उसको सेलेक्ट करेंगे। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो ए बी है और डी एफ है। तो देखिए पहले वाले जो ऑप्शन में ए बी दिया हुआ है, तो ए बी वाला जो सीक्वेंस है क्या ये सही होगा? ये हमारे पास दो ऑप्शन है वैसे तो, ए बी और डी एफ, दोनों की कॉस्ट होने, कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने इस ऑप्शन के हिसाब से पहला ए सेलेक्ट कर लिया, ए बी के बीच में जो ठीक है, जो कि मिनिमम कॉस्ट का है, ठीक है। नेक्स्ट डी एफ, क्या मैं डी एफ चूज़ कर सकता हूँ? अब देखिए पूरे दिए हुए ग्राफ में, हाँ, नेक्स्ट मिनिमम कॉस्ट एज एक या उससे नेक्स्ट बड़ी, तो चूंकि डी एफ की भी कॉस्ट एक है तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ ए से बी के बीच और डी से एफ के बीच में मैंने एज सेलेक्ट कर लिया, मतलब ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। अब क्या बी, अब मेरे पास नेक्स्ट जो कोस्ट एज होगी वो कौन सी हो सकती है? मेरे पास सी डी हो सकती है और बी एफ हो सकती है, सी डी हो सकती है और बी एफ हो सकती है। क्योंकि ये एज ऐड करने से पहले मुझे देखना है साइकिल तो नहीं बन रही, तो क्या सी डी की कोस्ट जो है 2 है और बी एफ की भी 2 है, तो जब मैं इन एज को सेलेक्ट करता हूँ तो क्या एज बन रही है, क्या साइकिल बन रही, नहीं बन रही। तो मैं इस पहले दिए हुए ऑप्शन के हिसाब से ये बी एफ मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो ये बी एफ मैंने सेलेक्ट करी, ठीक
ठीक है, और इसकी एज है 2, इसका मतलब ये भी सीक्वेंस यहाँ तक ठीक है। अब नेक्स्ट मेरे पास कौन सा होना चाहिए, डीसी ही होना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट कोस्ट हाईएस्ट कोस्ट या तो 2 या 2 से ज़्यादा होगी, चूँकि सीडी की 2 है तो मैंने ये सेलेक्ट किया, तो इसका मतलब डीसी भी ठीक है। अब डी अगर मैं सेलेक्ट करूँ, नेक्स्ट कौन सा मेरे पास होना चाहिए, 3, क्योंकि मेरे पास नेक्स्ट कोस्ट एज है वो 3 3 है, एक तो B2C है और D2 ही है। अब मैं कौन सा सेलेक्ट करूँगा, अगर मैं B2C करता हूँ तो एक साइकिल क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, जैसे ही मैंने B2C किया तो ये एक साइकिल बन गई, तो ये मुझे नहीं सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो क्या मैं D2E कर सकता हूँ, इसमें दिए हुए D2E बिल्कुल की जा सकती है, तो यहाँ पर जो कोस्ट हुई इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है। अब नेक्स्ट मैं चलता हूँ दूसरे ऑप्शन को चेक करने, क्या A to B ये ऑर्डर रहेगा, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। D2F मैं चेक कर सकता हूँ, D2F भी बिल्कुल ठीक है। D2C में जा सकता हूँ क्या, जब मैंने इस ग्राफ को ड्रॉ किया था मेरे पास, इसको हम एक बार फिर से कर लेते हैं ड्रॉ, तो मैं फटाफट से नोट्स ड्रॉ कर देता हूँ, ये मेरे नोट्स ड्रॉ हो गए। तो A to B मेरा करेक्ट है, ये A है, ये B, ये मेरा D, और ये मेरा, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, इसको अगर मैं, ठीक है, ये मैंने रिमूव कर दिया, और ठीक है, तो A to B मैंने ड्रॉ कर लिया है। A to B के बीच में एक एज है जिसकी कॉस्ट 1 है, D to F के बीच में एक एज है जिसकी भी कॉस्ट 1 है। अब नेक्स्ट मेरा टास्क है D to C, C यहाँ है चूँकि इसकी भी कॉस्ट 2 है, तो मैंने ये एज सेलेक्ट करी जिसकी कॉस्ट आपके पास होगी 2, ठीक है। नेक्स्ट मैं क्या B2F कर सकता हूँ, B2F मैं बिल्कुल कर सकता हूँ क्योंकि साइकिल नहीं बन रही है, तो ये B2F हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया E, तो ये सीक्वेंस भी बिल्कुल ठीक है। B2F के बाद क्या मैं D2E कर सकता हूँ, D2E बिल्कुल किया जा सकता है, कोई साइकिल नहीं बन रहा है, तो D2E भी मैंने कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस रहा इस बार सेम मिनिमम स्पैनिंग ट्री बन के आ रहा है, सीक्वेंस जो क्रम है ये वाला क्रम भी बिल्कुल सही है, ठीक है। अब हम ये ऑप्शन 1 का हुआ, ये ऑप्शन 2 का हुआ, अब हम ऑप्शन 3 का देखते हैं, क्या D2F, ठीक है, फिर से मैं स्केलेटन एक ड्रॉ कर लेता हूँ, A to B, B2, ये D हो गया, ये F हो गया, ये C आपका और ये E आपका, ये है आपका A, ये है आपका B, ये आपका D F और ये C, ये दिस वन इज़ ए। अब मैं तीसरे ऑप्शन के लिए चेक कर रहा हूँ, D to F चूँकि कॉस्ट 1 है, बिल्कुल ये सेलेक्ट की जा सकती है। A to B बिल्कुल ये नेक्स्ट हाईएस्ट कॉस्ट वाली ए सेलेक्ट की जाएगी D to F के बाद। D to C जो अब मुझे चूज़ करना है, D to C यहाँ पे बोल रहा है, बिल्कुल D to C भी चूज़ की जा सकती है, नेक्स्ट हाईएस्ट कॉस्ट 2 है। B to F किया जा सकता है, बिल्कुल B to F भी किया जा सकता है, नेक्स्ट हाईएस्ट कॉस्ट 2 है और साइकिल भी नहीं बन रहा है। क्या D2E किया जा सकता है, D2E नेक्स्ट D2E भी बिल्कुल किया जा सकता है, कोस्ट 3 है, और तो ये वाला जो क्रम है ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन 3 भी बिल्कुल सही है, 2 भी करेक्ट है, 3 भी करेक्ट है। अब हम फोर्थ वाले के लिए चलते हैं, फोर्थ वाले में बोलता है, फिर से मैं फटाफट से स्केलेटन ड्रॉ कर लूँ, ठीक है, ये आपका ए, ये बी, ये डी, ये एफ, दिस इज़ सी एंड दिस वन इज़ ई। तो सबसे पहले D to F कोस्ट 1 है, ये सेलेक्ट की जा सकती है, A to B कोस्ट 1 है, ये सेलेक्ट की जा सक की जाती B to F, B to F का कोस्ट कितना है, B to F का कोस्ट 2 है, तो ये मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, नो नो इशू, साइकिल नहीं बन रही है। D to E क्या मैं सेलेक्ट करूँगा, देखिए अब D2 मेरे पास, देखिए अब मेरे पास एक और दो D2C भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मिनिमम कॉस्ट देखिए अभी भी साइकिल नहीं बन रही, तो यहाँ से D2E जाना और B2E जाना, ठीक है, चूँकि 2 है और यहाँ पे जो सीक्वेंस लिया गया है वो D2E लिया जा रहा है, B2
डी टू ई लिया जा रहा है जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। ये यहाँ पे कोस्ट 3 है और यहाँ पे कोस्ट आपका 2 है, तो ये एक्सेप्टेबल डी टू सी एक्सेप्ट डी टू ई पहले एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसका मतलब ये जो ऑप्शन नंबर 4 है ये आपके क्रुस्कल एल्गोरिथम के रूल को फॉलो नहीं कर रहा। तो आंसर इसका होगा, आंसर होगा आपका 4, तो ऑप्शन ओके ठीक है। तो ये हमारा क्रुस्कल एल्गोरिथम का एग्जांपल कंप्लीट हुआ। ओके थैंक यू।